रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है, कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है। तो आप लिल्लाह यू देखा न करो आईना, और बात की बात में हर बात हुआ करती है। अरे हे सखी बरका किरतिया, अरे हे सखी बरका किरतिया, अरे जुल्मी मचावे उते पतिया, हे सखी बरका की रतिया। क्या बताऊं, आज मेरे राजा सुल्तान सिंह की याद मुझे बहुत आ रही है। अगर आज मेरे पास होते तो मैं आज अपनी दिल की इच्छा जरूर बुझाती तेल लगा के। ए राजा का उड़ाओ तू गचर गचर आख काहे मारता हो, गए पारी देश पिया भेजना ही पतिया हो, भेजना ही पतिया। हमरे दियरा से छुट गई पतिया हो, छुट गई पतिया। ए राजा दबावे दुलौ छतिया, दबावे दुलौ छतिया, हे सखी पर काती। राजा दबावे दुलौ छतिया, हे सखी। मैं आपको खुशखबरी बताना चाहती हूँ। आखिर कौन सी खुशखबरी है? अरे वो हैया धरू चला गए परदेश। अरे वाह, अरे ओ हैया धरू परदेश उनका भेज दे राजा, अब तो ये कटा मेरा साफ हो गया। लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आया हूं, तुम्हारे लिए खुशखबरी। अरे वो कौन सी खुशखबरी है राजा? अरे सुनो गुदी एकदम झूम जाओगी। मैं तो सोची मैं सुन लूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। अरे यार पागल हो जाओगी तो मैं कहां जाऊंगा फिर? ये तो आप ठीक कह रहे हैं राजा, लेकिन कौन सी खुशखबरी है? खुशखबरी ये है तुम्हारी जो जमीन है। अच्छा मेरी जमीन? तुम्हारा जो मकान है, चौधरी साहब यहाँ गिरवी है ना? हाँ है तो। और 25,000 रुपया कर्ज है। हाँ कर्ज भी है। अगर ये सब माफ हो जाए तो कोई हर्ज है क्या? अरे राजा लेकिन कैसे? और जानती हो? और क्या? और अगर तुम्हें 2,00,000 रुपया नगद कैश मिल जाए? क्या 2,00,000? 2,00,000, 2,00,000। अरे राजा अभी तक तो मैं जिंदगी में 2,00,000 नगद नहीं देखी हूँ अपनी आंखों से। सच? ए राजा पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरे हाथे में खुजली हो रही है। वही लक्ष्मी आने वाली है। जी हाँ मैं दिलाऊं? अरे किसे? मोदी से? क्या मोदी से नहीं चौधरी साहब से दिलवाऊंगा। क्या चौधरी साहब से? अरे चौधरी साहब कैसे चौधरी साहब देंगे? अभी तो मैं 25,000 कर्ज लेकर आई हूँ। वो सारा सम्माप हो जाएगा।
2 लाख रुपया नगद कैश मिलेगा। अच्छा फिर लेकिन क्या तुम्हें एक काम करना होगा। अच्छा एक काम है। अरे राजा अगर मेरी जमीन छूट जा रही है, मेरा मकान छूट जा रहा है, 25,000 कर्ज माफ हो जा रहा है तो एक काम नहीं और बदले में 2 लाख रुपए मिल रहा है। एक काम नहीं 2-4-10 काम बतलाइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ तेल लगा के। अरे एक ही काम करो बस। बस एक काम? एक काम। कौन सा काम है? वो काम है तुम्हारी जो नदिया किरण है। अच्छा किरण हर जाए? तुम्हारी जो नदिया किरण माँ है उसी को एक हफ्ते के लिए चौधरी साहब के हवेली पर भेज दो। बस बस यही काम है। अरे मेरे राजा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक हफ्ते की बात छोड़ो, इतना सब कुछ मुझे मिल रहा है, एक हफ्ते की बात छोड़ो, मैं अपनी ननद किरण को चौधरी साहब के हवाले 2-4 महीने के लिए करवा सकती हूँ तेल। 2-4 महीने के लिए? जी हाँ। जल्दी चलो चौधरी। अरे चौधरी साहब के हवेली पर चलो, जल्दी करो। तुम्हें चलना नहीं है, चौधरी साहब आए हुए हैं। उधर चलो मैं बुला रहा हूँ। बुलाओ मैं बात करूंगी थोड़ा। माल तो यार बड़ा चौचक है। चौधरी साहब बोलो। ये तो मेरा प्रश्न है। क्या ये तुम्हारा पर्सनल माल है? जी हाँ। लेकिन यार बहुत सुंदर है ये भी। इसका नाम शोभावती है। क्या इसका नाम शोभावती है? सारा काम इसी से बनेगा। क्या इसी से? जी हाँ। तो बात कराओ ना, जब काम इसी से बनेगा तो बात कराओ। बात करो ने? बात करूँ? हाँ सही बात है। ठहरो बात करा रहा हूँ। हाँ बात कराओ। अच्छी सुनती हो का हो, हमका बुलाया का? ए बुढ़ाऊ हमका बुलाया का हो? अच्छा लाठी जी न खाया उपाल ले बचिया या गारू हो लाठी दिखावा तहन सुचाप ना उनका आया धरु मेंटल गायब कर दे हम लाठी दिखावा तहन उतना मेरे ने कुछ ना आया है देखा था हो हम कब बुलाया का तू का हो देवर? अच्छा आप है क्या? अरे मैं बुला रहा हूँ। अरे राजा जी हाँ चौधरी साहब आए हुए, बात करोगी कि नहीं? चौधरी साहब बोलिए। चौधरी साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बोलिए चौधरी साहब। मैं तो ठीक हूँ, अपना बताइए कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और बोलिए इस गरीब के घर आपका आना कैसा हुआ, कैसे हुआ? सही कह रही शोभा, बगैर किसी काम का कोई इंसान किसी के दरवाजे पे नहीं जाता। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। वैसे मेरा भी काम पड़ गया इसीलिए मैं तुम्हारे मकान तक पहुँच आया। बोलिए कौन सा काम है? सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शोभा तो बात शोभा हमारी
प्यारे तुम्हें हमारा कहा। एक हफ्ते के खातिर अपनी ननद किरण को भेज दो, समझ रही हो? तो एक हफ्ते के खातिर अपनी ननद किरण को भेज दो, और छोड़ दूं खेती, छोड़ ये तुम्हारा मकान। चौधरी साहब बोलो, मैं आपकी बात सब समझ रही हूँ। समझ रही हूँ, लेकिन आप इसके आगे कुछ बतलाए नहीं। इसके आगे कुछ नहीं बताए, क्या कहना चाहती है इसके आगे? अरे भाई, जो अपने मुख से मैं कहना नहीं चाहती, अगर कहूंगी तो आप यही कहेंगे कि छोटी मुंह और बड़ी बात। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, एक बार कहकर तो देखो ना। देखिए चौधरी साहब, बोलो। मैं अपनी ननद किरण को अच्छा आपके हवाले करूंगी, तब। कब करोगी? जब मुझे 2,00,000 रुपए नगद मिलेगा। अरे शोभा, शोभा तुम 2,00,000 रुपए की बात कर रही हो, मैं तुम्हें 2,50,000 रुपए नगद दूंगा, कहे तुरंत। क्या? हाँ। अरे चौधरी साहब आप बैठिए, मैं अपनी ननद किरण को बुला बुलाओ बुलाओ बुलाओ। अरे ओ किरण, अरे कहाँ हो? अरे सुनती हो? अरे अरे भाभी, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? किरण, ये चौधरी जसवंत साहब हैं। क्या? यहाँ इसलिए आए हैं, जो 25,000 कर्ज दिए थे हाँ, वही कर्ज अपना मांगने आए किरण। लेकिन भाभी, भाभी तुम्हें मालूम है घर में एक पैसा नहीं है, और कर्ज कहाँ से दिया जाएगा? हाँ किरण, तुम्हें भी पता है हमारे घर की हालत कैसी है। अगर किरण तुम मेरी एक बात मानो, सारा काम हल हो जाएगा। कहिए भाभी, क्या बात है? किरण, तुम मेरी बात मानो, एक हफ्ते के लिए चौधरी साहब के हवाले, चौधरी साहब के साथ इनके हवेली पर चले जाओ, अपनी जमीन छोड़ देंगे, 25,000 कर्ज माफ कर देंगे, अपना मकान छोड़ देंगे, और रही खुशी। किरण, किरण रही खुशी की बात, तो चौधरी साहब 2,50,000 रुपए नगद दे रहे हैं, और अपनी जमीन, अपना मकान, 25,000 कर्ज, सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। चुप रहो, पागल हो गई आप? बड़े भैया के परदेश जाते ही तुम मुझे इन लोगों का तो बेचना चाहती हो? बेचना के लिए ये न का लखा हो? अरे काल समझाई इनका हर जाई के, ए रारा इनके दिमाग के भूसा भरा बा, झुआ भर रुपया मिलत बा, घर द्वार खेती बाड़ी छोड़त है। बहनी हो, अगर हमार भाई बाप इतने कर्जदार हो, हम क्यों कहे हो, हमारे काने मुनुक गई हो, एक हफ्ते तक बातें छोड़ा, हम चली जाए 2-4 साल रह के आए। ठीक कह रहे भाभी, क्यों नहीं आप भी चली जाइए? चली जाइए? हाँ एक बात बा, तू साहेब है यहाँ तो करे है हर
ए रावण की बिटिया वही निहाद बा जौने कुकुरवा के दे कबरवा वही कुकुरवा धरई।